हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जहां पर आपको सभी टेट एग्जाम और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी संपूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर कराई जाती है। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपने किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में या फिर सीटेट 2019 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस चुना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि आप एक छोटे से नोट्स है, कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ लाइंस है जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। ये लाइंस जो है वो पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और एनसीईएफ 2005 ने जिसको वैलिड माना है, जो संस्तुति प्रस्तुत की है या फिर जो जिस उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें सही है उसके बेस पर एनसीईआरटी ने इन लाइंस को उल्लेखित किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नंबरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाला हुआ है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो विज्ञान के आदर्श पाठचर्या का मानदंड क्या होना चाहिए, निम्न में से कौन सा विज्ञान की एक आदर्श पाठचर्या का मानदंड है, इस तरह के करके क्वेश्चंस कई तरह से बन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो लिखी है, हम विज्ञान को, हम मतलब कौन, एनसीईआरटी, ठीक है, हम विज्ञान को उस शिक्षा को अच्छा, विज्ञान की उस शिक्षा को अच्छा मानते हैं जो बच्चों के प्रति, जीवन के प्रति और विज्ञान के प्रति ईमानदार हो। इम्पॉर्टेंट लाइन, पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट है। इस सामान्य व स्वाभाविक निरीक्षण से विज्ञान पाठ्यक्रम की वैधता को छह मूल मानदंड, अब ये छह जो मूल मानदंड एनसीईआरटी ने उल्लेखित किए हैं यही आपको याद रखना है इसमें, संज्ञानात्मक, विषय वस्तु, प्रक्रिया, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और नैतिक, ये मूल मानदंड सामने आते हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। विज्ञान शिक्षा के सामान्य लक्ष्य निर्धारित इन्हीं मानदंडों से निकले, यानी कि विज्ञान शिक्षा के जो नॉर्मली जैसे कि हमने पढ़ाई के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो सारे ही लक्ष्य घुमा फिरा के इन्हीं छह मानदंडों से प्रकट हुए हैं, ठीक है, निकल के सामने आए हैं। संज्ञानात्मक होना चाहिए, विषय वस्तु, ये सारी चीज़ें। तो ये एनसीईआरटी के अलावा एक विज्ञान की आदर्श पाठचर्या के मानदंड हैं मेन, आपको ये छह नाम याद कर लेने हैं और फिर इस छह नाम से रिलेटेड कुछ भी अगर लिखी, जैसे जरूरी नहीं कि नाम आए, इससे रिलेटेड कोई लाइन आ सकती है जिसका घुमा फिरा के अर्थ यही निकल रहा है, बेस यही बन रहा है, तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो था, आई थिंक 2 मिनट का ही होगा ज़्यादा नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आ रही हूँ आप लोगों के लिए नॉलेज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और एक बार सभी लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि ऑन है कि नहीं, क्योंकि ऑन रहेगा तो ही हमारी लाइव सेशंस के अपलोड्स के आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।